Hey guys, welcome back to the channel after 6 years. Are you comedy me? Or something like that, I don't really know. Chapak. But anyway, now that you're here, I'm pretty much excited. Bro, like, being a professional content creator, I think my style has changed drastically. Like, I'm seeing a camera and then I have this jolly face. When I was doing content creation professionally, that was not the case. But anyway, मेरे बाल वाल तो ठीक लग रहे हैं आपको, मेरी दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ी सी अनइवन है. बीइंग अ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या करें भाई, लाइफ कम्स इन द वे और टाइम की सख्त कमी है भाई, दाढ़ी काटने का भी टाइम नहीं है. बट एनीवे, लेट्स नॉट डाइग्रेस. डाइग्रेस इज द राइट वर्ड और नॉट, बट लेट्स नॉट गेट अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक. हम आते हैं मेन मुद्दे पे. और मुझे, क्योंकि अब भाई एक तो कैमरा की लेंस में देखने की आदत हो गई है और जब मैं शूट करता हूँ प्रोफेशनली तो वो अच्छे कैमरा होते हैं, उसमें कोई ऐसी स्क्रीन नहीं होती, बट यहाँ पे स्क्रीन है तो मैं स्क्रीन को देखे जा रहा हूँ, खुद को देखे जा रहा हूँ. दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द लेंस, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल मेक अ कॉन्शियस चॉइस दैट आई हैव टू लुक एट द लेंस. बट आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट डूड, लाइक आई डोंट नो. पहले जब व्हेन आई यूज्ड टू शूट बिफोर बीइंग अ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर, व्हेन आई वाज अ प्रोफेशनल एडिटर, मुझे बहुत सोचना पड़ता था कैमरा के सामने आने में. बट नाउ दैट्स नॉट द केस. लकीली आई थिंक वो स्किल डेवलप हो गई है to be able to speak in front of the camera with a happy face. And because in general I have a poker face. But anyway, now that you're here, thank you for joining in. अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप मेरे लॉयल सब्सक्राइबर हो, सो थैंक यू सो मच. Having said that, जो आपने इंट्रो देखा, that was shot in 2021 or 2022, I'm not sure, but COVID के अराउंड ही मैंने शूट किया था उसको. And I had that footage for quite a long time, so I thought why not to edit. And I know it took me 2 years to edit it, but better late than never. So basically जो footage थी वो एक short film की थी जिसको फिर मुझे कैमरा के सामने देखना है. लेंस, फोकस ऑन द लेंस. काफी टाइम बाद आ रहा हूँ तो थोड़े हिकअप्स ऐसे रहेंगे, प्लीज माइंड दैट. सो वो जो फुटेज थी, दैट वाज ऑफ अ शॉर्ट फिल्म जो कि मैंने कोविड के अराउंड लिखी थी और उसी के टाइम पे लिखी हुई थी वो. और उसको मैंने फर्स्ट 2 days का मैंने पार्ट शूट किया था, जो 2 scenes थे स्टार्टिंग के. बट जो फुटेज थी वो मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी, जैसा मैंने सोचा था दिमाग में वैसा कुछ शूट नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई आई क्विट दैट आइडिया. बट वो जो स्क्रिप्ट है वो अभी भी मेरे पास है. और अभी क्योंकि मैं दूसरी लोकेशन पे हूँ, तो क्योंकि वो उस लोकेशन के हिसाब से ऑप्टिमाइज थी, तो यहाँ की लोकेशन और जो करंट सिनेरियो है, क्योंकि अब तो कोविड चला गया है, तो उस हिसाब से मुझे उसको मोल्ड करके कुछ टाइम बाद मैं उसको डेफिनेटली दोबारा शूट करूंगा, बिकॉज द आइडिया इज वेरी अमेजिंग. तो जब वो फुल शॉर्ट फिल्म एक बार रेडी हो जाएगी तब आपको मजा आ जाएगा, आपके दिमाग खुल जाएगा उस शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद. बट खैर वो बात की बात है, अभी मुद्दे पे आते हैं. तो वो ओल्ड फुटेज पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को हम एज एन इंट्रो यूज कर लें. और उसी का एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया है दैट डॉक्यूमेंट योर लाइफ. क्योंकि जब मैंने वो फुटेज दोबारा देखी तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार वो टाइम जो था जब मैं ये सोच रहा था वो टाइम डॉक्यूमेंटेड है, बिकॉज मैंने कुछ पार्ट उसका शूट किया. एंड जब आप उसको दोबारा कुछ साल बाद देखते हो तो काइंड ऑफ एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है, तो काफी अच्छा लगता है वो देखकर. सो
After 2 years, I used that part of the short film as an intro of this video. And I know it doesn't have a story yet because the intro was just part of an abandoned short film. But to be honest, I had fun editing it, and in the end, that's what truly matters. But anyway, ek cheez mujhe aur baat karni thi. Now let's talk about this channel. Aur wo baat mujhe isliye karni hai because I have been inactive on this channel for so long. Aur jin logon ne is channel ko subscribe kar rakha hai, agar aap mujhe bhool gaye ho, to taki main aapko logon ko yaad dila sakun ki main exist karta hoon. और ये चैनल भी एग्जिस्ट करता है और जल्द ही इस चैनल पे भी कंटेंट आने वाला है. सिंस आई वाज आल्सो वर्किंग फॉर अदर चैनल्स, तो मेरे को इस चैनल पे इतना वीडियो कंटेंट डालने का टाइम नहीं मिल पाता था. उसके साथ साथ लाइफ में जो कुछ और बसड़ है वो भी चल रही थी, तो उनको भी मैनेज करना होता है. सो दैट इज द रीजन इस चैनल पे कुछ आ ही नहीं रहा था. बट ऐसा नहीं है, आई रियली वॉन्ट टू ग्रो दिस चैनल. अभी जितने सब्सक्राइबर्स हैं उससे ज्यादा सब्सक्राइबर मैं चाहता हूँ, उससे ज्यादा व्यूज चाहता हूँ, उससे ज्यादा वीडियोस चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे कॉन्टेंट को देखें. बट एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग एंड आई केप्ट थिंकिंग दैट What should I make? Because इस चैनल की स्टार्टिंग तो हुई थी व्लॉग से, but I am no longer interested in making vlogs. और अगर मेरे पास्ट की बात करें तो I have been a professional video editor for I don't know like 2 or 3 years, and I know and अभी भी मेरी वही फील्ड है वीडियो एडिटिंग की. It's like an umbrella of content creation and video editing. Now I don't do video editing, but वो खैर अलग बात है कि मैं exactly क्या काम करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि मैं exactly क्या करता हूँ. ये तो latest news है. But anyway, मैंने कुछ videos बनाई थी जिसमें मैं shoot कैसे करते हैं और editing के बारे में कुछ मैंने videos बनाई थी कि editing सिखाने के लिए basically. But मेरा इतना genuinely interest नहीं है, मुझे लोगों से सीखना ज़्यादा पसंद है. Instead of making videos about teaching editing, so वो भी content creation की plate से निकल गया. So वो एक part है जिसको मैं future में इतना ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, because I'm not a great teacher. Let's be honest. वहीं फिर कुछ टाइम ऐसा था जब कॉन्ट्रोवर्सी में मैंने वीडियोस बनाई थी, और उसके बाद मैंने कुछ फिलॉसफी और साइकोलॉजी रिलेटेड और सोशल कमेंट्री भी ऐड करके कुछ वीडियोस बनाई थी. बट उनकी बात करें तो उसमें टाइम और रिसर्च दोनों काफी ज्यादा है, और एक्चुअली मैं अभी मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं उन पे इतना ज्यादा एफर्ट लगा सकूं. सो दैट इज वाई फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि यार क्या बनाना है इस चैनल पे, ताकि जो मैं बनाऊं वो ऑडियंस को भी पसंद आए और उसको मैं कंसिस्टेंटली भी कर सकूं. बट इन द एंड आई वाज जस्ट लाइक फक इट, बिकॉज आई एम गोना मेक व्हाटएवर I want to make. और जिसका सार एक basically ये निकल के आता है, I'm just gonna document my life. इसका मतलब ये नहीं है कि I'm gonna make vlogs, but documentation of my life in a creative way. जिसका आप example future में जल्दी देखोगे. सोजो, what is सोजो? हमको नहीं पता. So इस channel का जो core है, that is lots of literature, experimentation and filmmaking. उस पे ज़्यादा focus रहेगा. और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो मेरे about section में भी यही line लिखी हुई है, but in a creative way. और ये मैं promise करता हूँ कि जिन लोगों ने subscribe कर रखा है, that I'll do with consistency, because as you know, I'm quite famous for being inconsistent on this channel or when it comes to YouTube in general. But this time, I really want to try once again to be consistent. So let's see how it goes. So strategy ki baat kare to, abhi hum slow start karenge. I'll post one video weekly and one short weekly. Aur maine kafi sare topics already likh rakhe hain. To jo topics mujhe pasand aate hain, jispe mujhe lagta hai ki yaar, I really want to make content on that. मैं उस पर कॉन्टेंट बनाऊंगा, और आई रियली होप आप लोगों को भी पसंद आएगा. सो लेट्स सी हाउ फार विल दैट गो. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एज आई एम क्वाइट एक्टिव देयर. एंड इफ एनी सिंगल वुमन इज वॉचिंग, यू कैन ऑल्सो डीएम मी. सो सी या, बाय बाय. लाइक शेयर सब्सक्राइब. आई डोंट गिव ब्राइब. ग्रो अप.